आज ऐसी दुर्व्यवस्था शिक्षकों की जैसी आज इस देश में है आज से पहले कभी नहीं हुई। इसलिए आज हम लोग को हस्ताक्षर अभियान के लिए निकलना पड़ा। पिछले 5-6 महीनों में जब से लॉकडाउन है हमारे शिक्षण संस्थान बंद है। प्राइवेट शिक्षकों की इस तरह की उनकी पीड़ा कोई समझने वाला नहीं है। आज हम आपके माध्यम से ये बात उस सरकार तक पहुंचा देना चाहते हैं जिसने शिक्षकों की तरफ ध्यान नहीं दिया। मुझे याद है रामायण काल का भी वो समय याद है जब महाराज दशरथ अपनी गद्दी छोड़ दिया करते थे गुरु वशिष्ठ के लिए और सिंहासन से उतर के अपना सिंहासन सौंप दिया करते थे। आज हम इस राम राज्य में गुहार लगाते हैं अपनी उस सरकार से कि शिक्षकों की ऐसी दुर्व्यवस्था जो इस देश में हो रही है, जो आज से हजारों हजार साल पहले तक न देखी गई, न सुनी गई और न पढ़ी गई, ऐसी दुर्व्यवस्था, ऐसी पीड़ा के लिए आज हम आवाज उठा रहे हैं। हमको समझ में नहीं आ रहा है कि हम बिजली का बिल कैसे देंगे, हमें समझ नहीं आ रहा हमारे बच्चों की फीस कैसे जाएगी, हम क्या खाएंगे। आज इस देश की सरकार, इस सरकार ने सारे संस्थान खोल दिए, टेम्पो चलने लगे, छोटे छोटे चीजें चलने लगी, लेकिन हमारे संस्थानों पर ताला लगा दिया। हमारे संस्थानों का ताला खोलते ही पुलिस और एसटीएफ वहाँ पे ऐसे आ धमकती है जैसे हम लोग कहीं के क्रिमिनल है। हम सोशल डिस्टेंसिंग के साथ 40 बच्चों की क्लास में 4 बच्चे पढ़ाने को तैयार है, लेकिन रोजी रोटी कमाने का हक हमें भी है। आज हम इस जनता जनार्दन से अपील करते हैं कि अपने शिक्षकों का साथ दे, उन शिक्षकों का साथ दे जिन्होंने बच्चों का हाथ पकड़कर उन्हें काका काका अंगा पढ़ना सिखाया, उन शिक्षकों का साथ दे जिन्होंने उन्हें ABCD लिखना सिखाया, जिन्होंने बोलना सिखाया, जिन्होंने चलना सिखाया और जिन्होंने उनकी छोटी छोटी कमियों को दूर करके समाज में उनको आगे बढ़ना सिखाया। आज वो शिक्षक दर्द से तड़प रहा है, आज उसकी क्लासेस बंद है, उसके घर में खाने को नहीं है और किसी से अपनी बात को नहीं कह सकता है। आज मैं अरविंद शुक्ला अपनी आवाज को उत्तर प्रदेश कोचिंग संघ और उत्तर प्रदेश टीचर फैमिली के बैनर तले अपनी आवाज को हम सरकार तक पहुंचा देना चाहते हैं और ये निवेदन प्रार्थना करते हैं कि शिक्षकों के साथ पढ़े लिखे वर्ग के साथ होने वाले ऐसे घोर अन्याय का हम विरोध करते हैं और सरकार से ये प्रार्थना करते हैं कि हमारी आवाज को सुना जाए और हमारी क्लासेस को खोला जाए और टीचर्स पर ध्यान दिया जाए। जय हिंद, जय भारत।